एक टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो अभी तक 28% लगता था, अगर डिक्लेयर्ड टैरिफ होटल का 7,500 रुपए से अधिक हो, अब डिक्लेयर्ड टैरिफ के बदले जो एक्चुअल बिल है अगर उसमें रूम रेट 7,500 से ज्यादा हो तो 28% लगेगा, बाकी पे जो पहले स्लैब्स थे 18% वगैरह उस पे रहेगा। गोयच्या हॉटेल उद्योगान या निर्णयाक येवकार दिला। गोयातले जी आमची हॉटेलां आसा जी बाकीच्या हॉटेला भशेन ताका डायनेमीक प्रायसींग फॉलो करता, म्हणजे असो नसता की प्रत्येक जो रूम आसा ताका एकाच तरेचो रेट लायता। एकएकदा सुरवातीक रेट हो 7,500 कमी आसता आनी मागीर जसो जसो वेळ जायत वता तसो तसो रेट हो वाडत वता। त्यामुळे सुरवातीक जेन्ना हॉटेलाक 6,000 समजो एक रूम दिल्लो आसा, ताका फुडें मागीर कितें ताका रेट लायतलो ह्या प्रमाणे ताकाय मागीर तो 7,500 रेट धरून 28% लावप, हातून खूब लोकांक त्रास जाताले। आनी कालचो जो पळय निर्णय घेतलेलो आसा सरकारान तो तातूंत खुबशे गोंयच्या हॉटेलांक बरें जातलें की जे पळय जे रेट लायता तो आतां ती जितली पळय अमाउंट गव्हर्मेंट लोकांक चार्ज करतले ताजेर तो रेट अवलंबून आसतलो। तर आतां गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय केलां अशें की सुरवातीक जर हांवें 6,000 विकलो, हांवें 18% ताका टॅक्स चार्ज केलो, कांय प्रॉब्लम ना, तो बरोबर आसा। जेन्ना हांव 7,500 विकतलो तेन्ना 28% चार्ज करतलो। सो त्या दृश्टीन म्हाका खूब सोंपेपणां जाता की म्हाका खबर आसता की प्रत्येक मनशा कडेन हांव कितलो रूम हाचेर रेंट घेता। 7,500 वयर घेता ताका 28% लायतलो, 7,500 सकयल घेतलो तेन्ना ताका 18% लायतलो। ही आतां क्लॅरिफिकेशन गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा। 50 वस्तू आनी सेवांचे GST दर काउन्सिलान देवयले। GST काउन्सिलाचे 28 बसकेंत सॅनिटरी नॅपकिन्सांचेर 0 GST निर्णय जाला। ते शिवाय फ्रीज, 27 इंचा मेरेनचे TV, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्रायंडर, वॉटर कूलर, वॉटर हिटर, चामड्याची ज्योती तसेच चामड्याचे सामान GST देवयल्यान सवाय जातले। इसी के साथ साथ जो फुटवेअर आयटम्स है जिसमें पहले 5% लगता था 500 रुपए के जूते चप्पल पे, वो बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया गया है। तो जो पहले 18% होता था 1,000 रुपए तक, 500 और 1,000 के बीच, उसको भी 5% में लाया गया है। रेफ्रिजरेटर, छोटे टेलीविजन 25 इंच तक, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, ग्लेजियर पुटी, ग्राफ्टिंग पुटी, रेजिन सीमेंट्स, मैंने रेफ्रिजरेटर्स और अदर रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, लेदर इंडस्ट्री का रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट, आइसक्रीम फ्रीजर, ये जो एक मध्यम वर्ग को बहुत बड़े रूप में इम्पैक्ट करता है, तो इन सब के रेट 28% से 18% किए गए हैं। धंद्यात 5 कोटी मेरेन अर्थिक उलाढाल आशिल्ल्यांक आता 3 महिन्यांनी क्वार्टरली GST रिटर्न फायल केल्यार पुरो, दर महिन्याक फायल करपाची गरज ना, टॅक्स मात दर महिन्याक भरचो पडटलो। जवळजवळ 90-95% व्यापाऱ्यांक ही थाकाय। 5 करोड रुपये तक जिसका टर्नओवर है अप टू 5 करोड, उनका टॅक्स पेमेंट तो मंथली होगा लेकिन रिटर्न क्वार्टरली होगा। 5 करोड रुपए तक टर्नओवर पर हर महीने वो अपना टैक्स जमा करेंगे, उसके प्रोसेस को GST के अधिकारी तय कर लेंगे कि हर महीने किस हिसाब से उन्हें भरना होगा, सिर्फ एक चालान के ऊपर भरेंगे, लेकिन रिटर्न 3 महीने में एक बार देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रूडेंट।